अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एक खास मेहमान से हम बात करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वो मेहमान आज हर घर में उस चर्चा का मौजू है, चर्चा का सब्जेक्ट है। आज हर घर में मंड्या की मुस्कान खान का तस्करा जारी है। मुस्कान खान वो बहादुर बेटी, वो बहादुर बहन, वो बहादुर खातून, वो बहादुर तालिबा जो फिरका परस्तों के सामने जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। सच सुना आपने, आज हम रूबरू मुस्कान खान से बात करने जा रहे हैं। मुस्कान खान बीएससी के दूसरे क्लास में पढ़ती है, लिहाजा वो अपना असाइनमेंट सबमिट करने के लिए वो जा रही थी। उसी दिन हिजाब को लेकर पूरी रियासत में जो हंगामा बरपा हुआ था, उस वक्त वहाँ पर भगवाधारी खड़े थे। जिस तरह से हमेशा वो एक भीड़ की शक्ल में हमलावर होते हैं, उसी तरह से मुस्कान खान के ऊपर वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जब आने लगे, तो इस बहादुर बेटी ने वो मुजाहरा करके दिखाया जो आज पूरी दुनिया में इस पर तस्करा हो रहा है, इस पर बहस मुबासे जारी हैं। लिहाजा आज हम सीधे बात करते हैं मोहतरमा मुस्कान खान से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। आप मोहतरमा, आपका खैर मकदम इस्तकबाल। हमारा इत्तेहाद न्यूज़ चैनल है बेलगाम कर्नाटक से। सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल, क्योंकि आज आप दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियतों में शुमार है। आपका चर्चा घर घर में है, और आपने जो जरूरतमंदी का मुजाहरा किया हुआ है, और जिस तरह से दुनिया आपसे बात करना चाहती है, आपकी जरूरतमंदी को सलाम भी कर रहे हैं, कई सारे उम्मत की बेटी, उम्मत की शेरनी इस तरह से अलकाब से नवाजा भी जा रहा है, तो आप बताइए कि आपके तजुर्बा, आप जो आज लो अल्लाह ताला ने जो आपको इज्जत दी है, आप इसे कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जो एक मंजर था पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से वो, हेलो हेलो, हाँ, किस तरह से उन्होंने जो आपके पीछे पीछे आते हुए जय श्री राम के नारे लगाए, पॉज हुआ है वीडियो, देखिए थोड़ा। हेलो, हाँ जी, बताइए आप कैसा महसूस कर रही है, बताइए आप। मैं बहुत खुश हूँ कि सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दे रहे हैं, सब मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी जी, आपको किसी जी किसी तरह का आप पर अभी दबाव वगैरह नहीं है, हैरेसमेंट वगैरह किसी तरह का? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मैं सेफ हूँ, मुझे सिक्योरिटी भी दे चुके हैं, मैं बहुत सेफ हूँ। जी, जिस तरह से अल्लाह ने आपको इज्जत बख्शी है और पूरा आलमी सतह पर चर्चा जारी है आपकी, आप कैसे महसूस कर रहे हैं इस बात को? जी सर, कैसे महसूस कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने तो आपको बड़ी इज्जत बख्शी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक प्राउड फील कर रही हूँ। जी जी, सिर्फ अल्लाह का नाम बुलाई, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे अल्लाह का। क्या ये एक तरह से इस तरह का तो पैगाम नहीं है कि जरूरतमंद लोगों की तारीख लिखी जाती है और आप तारीख के औराक में दर्ज हो चुकी हैं? आप उम्मत की बेटियों को क्या पैगाम देंगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि डरना नहीं है जी। ये हमारा राइट है, हिजाब इज अवर प्रायोरिटी, हमें डरना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें उनकी आंखों में आंख मिलाकर चलना है, हमें कभी डरना नहीं है। नहीं, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा तवक्को है अब मुस्लिम उम्मत की बेटियों की। फिर से पॉज हुआ, देखिए थोड़ा। हाँ, वो मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम बेटियां जो कॉलेज को जा रही हैं, आज उनके लिए आप आइडल बनते जा रही हैं, आप एक आदर्श की तरह देखे जा रहे हैं, तो आप अभी आगे क्या करना चाहती हैं? आप बीकॉम दूसरे साल में पढ़ रही हैं, आगे आप कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करना चाहेंगी? मैं इंशाल्लाह इसके बाद LLB करना चाहती हूं। LLB जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि अक्सर आप इसी बात पर बोलते रहोगे, जब ये एक भीड़ भगवादारियों की, हिंदुत्ववादियों की आपके पीछे लगी थी, आप वहाँ पर अल्लाह अकबर का नारा दे रहे थे, उस वक्त आपके अंदर क्या जज्बात थे, थोड़ा दो चार लफ्जों में? मैं जब एक बार अल्लाह अकबर का नारा लगाई, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत पावर दिया, मुझे बहुत जज्बात है अल्लाह से, सब चीज़ अल्लाह से।
जी अब बेटियां भी आपकी तरफ बनना चाहती हैं, जरूरतमंद बनना चाहती हैं, तो आप उन बेटियों को क्या कहेंगे बताइए? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कभी डरना नहीं है, हर एक फैसला अल्लाह के ऊपर है, हम बेशक अल्लाह को मानते हैं, सब चीज अल्लाह के ऊपर है, हमें कभी नहीं डरना, हमें अपने इस्लाम के लिए खड़ा होना चाहिए। जय श्री राम के मुकाबले में आपने अल्लाह अकबर कहा, तो आपकी हिंदू सहेलियों को कोई एतराज तो नहीं रहा? कोई एतराज नहीं है, मेरे इवन नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स और मुस्लिम सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक मतलब वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम मैं कुछ वैसा नहीं करना चाहती थी, मैं मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए मैं खड़ी हूँ, मैं किसी रिलीजियम को मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये लोग क्रिएट कर रहे हैं स्टेटस पे डाल के ऐसा नारा मतलब ऐसा फैला रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, गलत है। मैं सिर्फ मेरे राइट्स को मेरे एजुकेशन के लिए खड़ी हूँ, मैं किसी रिलीजन के बीच में नहीं। कॉलेज इंतजामिया पुलिस आपके साथ रही? हाँ, कॉलेज इंतजामिया आपके साथ रही? हाँ, प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी मसरूफ़ हैं, सुबह से शाम तक आपने इंटरव्यूज़ दिए होंगे, कई सारे लोगों से तबादले ख्याल भी किया होगा, लिहाजा हमारा आपके आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया।